हे गाइस, आपका फिर एक बार स्वागत है आज की इस अमेजिंग सी गैजेट से भरी वीडियो में। तो आज आप देखेंगे काफी सारे स्मार्ट और हाईटेक गैजेट्स जो आपको हैरान कर देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को करके सब्सक्राइब, बाजू में आने वाले बेल आइकॉन को भी ऑल पर रखिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आयरन मैन रोबोट। गाइज, अगर आप आयरन मैन के फैन हैं तो ये रोबोट आपके लिए ही बना हुआ है जो आपको मूवी वाले आयरन मैन की तरह ही नजर आएगा। वैसे तो आयरन मैन की बॉडी डिजाइन काफी खूबसूरत होती है, जो खूबसूरती के साथ ही साथ उसके पास होते हैं सुपर हीरो पावर्स जो फैंस को पागल ही कर देते हैं। तो आयरन मैन लवर्स के लिए ये छोटा सा आयरन मैन रोबोट जिसे आप अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि इस रोबोट में छोटा सा मैकेनिज्म इनबिल्ट होता है जिसे कि ये रोबोट आपके इशारों पर नाचता है। जी हाँ, तो आपको इस रोबोट को अपने इशारों पर नचाने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन में इसके ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना होगा, जिसके बाद आपको इसके एप्लीकेशन में काफी सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं जिसे एक्टिवेट करके आप इस छोटे से आयरन मैन का मजा ले सकते हैं। और इस रोबोट में खास बात यह होती है कि इसके फेस में आपको एनिमेटेड LCD स्क्रीन देखने को मिलती है जिसमें आपको हमारे सुपर हीरो टोनी स्टार्क का चेहरा देखने को मिलता है। और बस इतना ही नहीं, इसमें सेंसर, स्पीकर और भी काफी सारे स्मार्ट फीचर्स इनबिल्ट होते हैं जिसे आप अपने स्मार्टफोन से इस्तेमाल करके इस रोबोट का काफी सारा मजा ले सकते हैं। तो गाइज, इस आयरन मैन रोबोट के लिए एक लाइक तो बनता है। आर्कटिक्स 9X। गाइज, हेडफोन्स तो मार्केट में नए नए लॉन्च होते ही रहते हैं, लेकिन उनमें से आपको अच्छे खासे गेमिंग वाले हेडफोन को चूज करने में काफी दिक्कत होती है। लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम गेमर्स के लिए लेकर आए हैं बेस्ट हाई क्वालिटी वाला गेमिंग हेडसेट जिसने हेडसेट के मामले में कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, जिसमें आपको गेमिंग से रिलेटेड काफी सारे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं और एक कम्प्लीटली वायरलेसली कनेक्टिविटी के साथ आता है जिसे कि आप इसे किसी भी स्मार्ट डिवाइस से, यानी कि स्मार्टफोन, गेमिंग कंट्रोलर और भी काफी सारे डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही एक्सबॉक्स गेम खेलने वालों के लिए ये काफी बेहतर है, क्योंकि ये हेडसेट सराउंड साउंड के साथ ही साथ आपको एनिमीज की छोटे छोटे हलचल को भी सुनाता है जिसे कि आप एनिमीज को बड़े ही आसान तरीके से किल कर सकते हैं। और इसमें आप इनकमिंग कॉल्स को रिसीव करके इजीली बात भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी वाला माइक्रोफोन लगा होता है। तो अगर आप अच्छे खासे गेमर्स बनना चाहते हैं तो आप इस बढ़िया से हेडसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्डियन जी वोल्ट। गाइज, आपको तो पता ही है कि कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में कितना तहलका मच चुका है, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक और काफी तेजी से बढ़ते चला जा रहा है, जिससे कि काफी सारे लोग कोरोना वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो गाइज, इसीलिए आप लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करते हुए प्लीज अपने घर से बाहर ना निकले, और अगर आपको काफी इम्पोर्टेंट काम होता है तो तभी आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए घर से बाहर जाएं, जो कि है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को जरूर से पहनना। तो गाइज, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखते हुए घर में ही रहो और सुरक्षित रहो। तो अब देख लेते हैं इस गार्डियन मास्क को। तो एक एक्टिव एंटीबैक्टीरियल प्रोटेक्शन मास्क है जिसमें आपको मल्टी लेयर्स की फैब्रिक कोटिंग देखने को मिलती है जिसमें बैक्टीरिया आ भी जाता है। तो ये मास्क अपने इलेक्ट्रिकल लेजर सेलराइजेशन की मदद से खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, जिससे कि आप खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया से काफी हद तक बच सकते हैं। तो गाइज, आप तो इस मास्क को खरीद नहीं सकते, क्योंकि आपको तो पता ही है कि अमेज़न की सर्विस पूरी तरह से बंद हो चुकी है। तो गाइज, जो आपके पास मास्क है उसी को जरूर से इस्तेमाल करिए। सकुरा ट्री। गाइस, किसी भी फंक्शंस हो या घर को खूबसूरत बनाने के लिए काम में लेते हैं फूलों को, लेकिन वो फूल एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो खराब हो जाते हैं। लेकिन अब जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा पौधा कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि ये आपके घर में रोजाना उगेगा और इसके टहनियों को फूलों से खूबसूरत बना देगा। और इसे आपको अपने घर में रखने के लिए आपको बस इसके पैकेट में से इसे निकाल कर इसे कुछ इस तरह से खड़ा कर देना है, जिसके बाद आपको इस पौधे को किसी नॉर्मल पौधे की तरह ही पानी दे देना होगा, जिसके बाद ये पौधा लगभग आधे घंटे में अपने सारी टहनियों को खूबसूरत फूलों से भर देगा, जिसे देखकर आप अपने पूरे दिन के मूड को ताज़ा रख पाएंगे। और अगर आप फूल उगते हुए देखना चाहते हैं तो आप इस पौधे में फूल उगते हुए बड़ी आसानी से देख सकते हैं। राइलो। गाइज, अगर आप खतरनाक एडवेंचरस एक्टिविटीज करते हैं तो आपको एक कैमरा बेहद काम आने वाला है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जब आप खतरनाक एक्टिविटीज कर रहे होते हैं तो आपको अपने हाथ में कैमरे को पकड़ना पॉसिबल नहीं होता, जिसे कि आपके अच्छे खासे मोमेंट्स मिस हो जाते हैं। लेकिन अब आपके किसी भी मोमेंट्स को मिस ना करते हुए रिकॉर्ड करिए इस शानदार राइलो कैमरा की मदद से,
क्योंकि आप इस कैमरे की मदद से हवा में उड़ते हुए और तेजी से साइकिलिंग स्टंट्स को करते हुए अपने इस राइलो कैमरा में पूरी फुटेज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अपने साथ रखता है 5.8K कैप्चर क्वालिटी, जो बिना ब्लर के हाई क्वालिटी में वीडियो फुटेज को रिकॉर्ड करता है। और इस कैमरे को आप अपने स्मार्टफोन के जरिए एप्लीकेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके बाद कैमरे में रिकॉर्ड हुई फुटेज आपके स्मार्टफोन में इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाएगी। पैराग्लाइडिंग मैन। गाइस, ये छोटा सा टॉय आपको एंटरटेन करने के लिए बना हुआ है। वैसे तो ये ड्रोन की तरह ही हवा में उड़ता है, लेकिन ये ड्रोन से काफी अलग ही है, क्योंकि इससे आप काफी सारे स्टंट्स को कर सकते हैं। और इसे यूज करने के लिए आपको सिंपली इसे असेंबल कर लेना है, जिसके बाद आपको सीधे रिमोट कंट्रोल को पावर ऑन कर देना होगा। और जैसे ही इसमें ग्रीन लाइट ब्लिंक होना रुक जाएगी, तो आपका रिमोट कंट्रोल सक्सेसफुली बोर्ड से पेयर हो चुका होगा, जिसके बाद आप इन ट्रिगर्स को पुश करके इस ड्रोन को उड़ा सकते हो। और साथ ही आप इस बोर्ड में काफी सारे स्टंट्स भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। वेक्टर। गाइज, वेक्टर आपको एक प्यारे से पेट एनिमल की तरह ही आपको एंटरटेन करेगा, और साथ ही आपके छोटे मोटे कामों को भी कर लेगा, क्योंकि ये होता है स्मार्ट छोटा सा रोबोट जिसमें वॉइस रिकॉग्नाइज फीचर इनबिल्ट होता है, और साथ ही इसमें स्मार्ट सेंसर्स भी लगे होते हैं, और ये देखने में जेसीबी की तरह ही नजर आता है, जिसे कुल मिलाकर 700 छोटे मोटे पार्ट से बनाया गया है, जिस पर आपको दो प्यारे से एलईडी लाइट्स यानी कि इस रोबोट की आंखें मिल जाती है, जिसे देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसमें एक रिचार्जेबल बैटरी भी इनबिल्ट होती है, जो डिस्चार्ज होने पर ये रोबोट खुद ब खुद ही अपने चार्जिंग पैड पर जाकर कनेक्ट हो जाता है, जिसे चार्ज होने के बाद आप इस रोबोट से छोटे मोटे कामों को करवा ही सकते हैं, और साथ ही आप इस रोबोट को अपने बच्चों को एंटरटेन करने के लिए भी काम में ले सकते हैं। फ्लोटिंग क्लाउड। गाइज, आपने आसमान में बादल को उड़ते हुए तो काफी बार देखा होगा, तो आप उन आसमान में उड़ते हुए बादल को लेकर आइए अपने घर में। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो गाइज, इसे पॉसिबल करने के लिए आ चुका है ये कमाल का फ्लोटिंग क्लाउड, जो कम्प्लीटली रियल बादल की तरह ही नजर आता है, और नजर आने के साथ ही साथ हवा में लेविटेट भी होता है, और साथ ही इसमें एलईडी लाइट्स भी इनबिल्ट होते हैं। वैसे तो ये एक एम्बिएंट एलईडी लाइट होता है, जिसे बादल की तरह डिजाइन किया गया है, जिसके बेस में मैग्नेट्स लगे होते हैं, जिससे कि एक क्लाउड मैग्नेटिक फोर्स से लेविटेट होता है, और साथ ही आपको इसमें बिजलियों की आवाज भी सुनाई देती है, जो कि आपको एक असली बादल के जैसा ही फील होगा। और अगर इसकी पावर कनेक्टिविटी की बात करें, तो आप इसे इसके केबल के थ्रू पावर ऑन करके रन कर सकते हैं। नेस्ट हब मैक्स। गाइज, गूगल के द्वारा बनाया गया ये एक स्मार्ट टैबलेट है, जिसे आप अपने टेबल पर रखकर वॉइस कमांड की मदद से अपने घर के काफी सारे स्मार्ट डिवाइस को एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि ये डिवाइस आपके घर के लाइटिंग को, डोर लॉक और यहाँ तक कि कॉफी मेकर को भी कंट्रोल करता है। और इसमें आपको हाई क्वालिटी वाला कैमरा भी देखने को मिलता है, जिसे आप अपने घर पर ना होने के बावजूद भी अपने घर के हालात को जान सकते हैं। और इतना इंटेलिजेंट होता है कि ये आपके घर के बेस क्लीनर को कचरा गिरने पर ऑटोमेटिकली काम पर लगा देता है, जिससे कि आपका घर पूरी तरह से साफ सुथरा रहेगा। नोमैड केबल। अगर आपकी कार कहीं बीच रास्ते पर रुक जाती है और आपके पास टोइंग केबल ना हो, तो आप इस मजबूत से नोमैड केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके स्मार्टफोन को चार्ज करने के साथ ही साथ आपके कार के टोइंग के भी काम आता है, जिसे हाई क्वालिटी वाले मटेरियल से बनाया गया है, जो टूटेगा तो नहीं बल्कि आपके काफी काम आएगा। और इसमें आपको मल्टीपल पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि आप इस केबल की मदद से अपने एंड्रॉइड और आईफोन डिवाइसेस को इजीली चार्ज कर पाएंगे। और इसकी लेंथ की बात करें, तो इसमें आपको 1.5 मीटर की लेंथ मिलती है, जिसे आप घर में इलेक्ट्रिकल बोर्ड से काफी दूर तक बैठकर अपने मोबाइल को इजीली चार्ज के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें प्लीज कमेंट करके बताना ना भूले। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी है, तो उसे लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल के नए विजिटर हैं, तो चैनल को करके सब्सक्राइब, बाजू में आने वाले बेल आइकन को भी ऑल पर रखिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।